Hello guys, and welcome back to the next video of Little Scholars, where futurize in your own abilities. Phrase, अभी तक हम लोग तीन चैप्टर खत्म कर चुके हैं किसके फिजिक्स का एक बायोलॉजी का एक एंड केमिस्ट्री का एक राइट अब हम लोग मूव कर रहे हैं नेक्स्ट के ऊपर दैट इज वीडियो नंबर 25 जिसके अंदर हम लोग केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट स्टार्ट करने वाले हैं आज की वीडियो के अंदर राइट तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट बेसिकली ये पहली बार ऐसा चैप्टर आया है हम लोगों के पास अभी तक क्लास 9 में हम लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर्स पढ़े थे उनकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी प्योरिफिकेशन पढ़ा था ये पढ़ के आए थे एंड इन क्लास 9 वीडियोस मैंने कहा था कि हम लोग 9th में सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर फोकस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज राइट क्लास 10 के ऊपर अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर ही फोकस रखते हैं सारा का सारा यानी कि यहां से अब जो स्टार्ट होने वाली है वो केमिस्ट्री के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द मैटर्स नॉन मैटर्स ये सब स्टार्ट होने वाली है राइट तो हमारा सबसे पहला चैप्टर इस सीरीज के अंदर है दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट राइट चलिए तो फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि व्हाट एक्चुअली आर द एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स किस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं कौन कौन सी चीजें हैं राइट तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन ठीक है व्हाट एक्चुअली आर द एसिड बेसिस एंड सॉल्ट कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो एसिड्स बेसिस और सॉल्ट्स को डिफरेंशिएट करने के काम में आते हैं दैट आर जनरली नोन एज इंडिकेटर्स राइट जब पढ़ेंगे तब वर्ड को तोड़ के काम करेंगे बाकी बचा हुआ ठीक है उसके बाद हम लोग आज के अंदर इंट्रोडक्शन टू एसिड्स पढ़ लेंगे वीक स्ट्रॉन्ग यहां तक कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू प्रोसीड वेयर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज वीडियो सबसे पहले देखिए कि हमारे पास हम लोगों ने देखा था कि इन टोटल 115 एलिमेंट्स हैं और ये सारे 115 एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर कुछ कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते या फिर कुछ मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करते इन अ डेफिनेट प्रपोर्शन तो वो जो कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स बने वो एसिडिक नेचर के हैं बेसिक नेचर के हैं ये पता करना जरूरी होता है ठीक है मतलब उन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज हैं एसिडिक नेचर होना या बेसिक नेचर होना जैसे हम लोग बोलते हैं साबुन जो सोप है वो बेसिक नेचर का है एसिड हम लोगों ने देखा कि भाई जो हम लोग जनरली एक्सीएल यूज करते हैं वो एसिड होता है किसी पे भी गिरने से वो चीजों को जला देता है ठीक है तो मतलब जो कंपाउंड बना उन्हीं की एक प्रॉपर्टीज है दैट इज आइदर इट इज एन एसिड और अ बेस ठीक है तो इस चैप्टर के अंदर हमें उन्हीं प्रॉपर्टीज पे क्या करना है फोकस करना ठीक है देखिए एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स ठीक है कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज नंबर वन आर एसिड्स नंबर टू आर बेसिस एंड द थर्ड वन आर सॉल्ट्स ठीक है राइट टोटल ये तीन तरीके के एसिड्स वो होते हैं जिनके अंदर H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है किसकी कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है H प्लस आयन की बेसिस वो होते हैं जिनके अंदर OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है और सॉल्ट जो होते हैं वो एसिड और बेस का कॉम्बिनेशन होते हैं एंड दे आर जनरली न्यूट्रल वो क्या होते हैं जनरली न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं यानी कि वो कोई भी कंपाउंड जिसके अंदर H प्लस आयन बहुत ज्यादा है कंपैरिजन टू OH माइनस आयन तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे एसिड बेसिस वो जिनके अंदर OH माइनस आयन है और सॉल्ट्स वो जिनके अंदर एसिड और बेस कंपाउंड कंबाइन होके अब देखिए H प्लस और OH माइनस कंबाइन हो रहा है हम यहां पे कंबाइन करते हैं ठीक है H प्लस और OH माइनस ने कॉम्बिनेशन किया इसके माइनस से इसका प्लस बैलेंस हुआ ठीक है यहां पर एक न्यूट्रल बना जिसके अंदर दो H है एक ऑक्सीजन है यानी कि क्या बन गया H2O यानी कि जब भी सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी तो एक प्रोडक्ट तो वाटर बनेगा ही बनेगा क्योंकि एसिड का H प्लस और बेस का OH माइनस दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं
ठीक है, इसीलिए इनको सॉल्ट कहा जाता है। ठीक है, अब अगर हमें पता करना है कि पर्टिकुलर कंपाउंड एसिड है कि बेस, उसके लिए हम लोग एक टेस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ मटेरियल और अ सब्सटेंस व्हिच इज नोन एज इंडिकेटर। ठीक है राइट, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडिकेटर्स। चलिए मैं सबसे पहले इंडिकेटर का वर्ड तोड़ता हूं और आपको मतलब समझाता हूं। इंडिकेट मतलब इंडिकेट करने का मतलब हुआ बताना, कि वो ये बताता है आइदर जो चीज हमने ली है, जो सब्सटेंस हमने लिया है, वो एसिड है या बेस। ठीक है, तो इंडिकेटर का क्या फंक्शन है, ये बताना कि वो सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को देख के। तो जनरली इंडिकेटर्स क्या होते हैं, डाई होती है, ठीक है, डाई मींस कलर डाइज, राइट, जो जनरली एड आता है ना किसका, वी कैन से के गार्नियर नेचुरल कलर्स एज अ काइंड ऑफ अ डाई। ठीक है, तो बेसिकली इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कलर डाई होती हैं, जो अपना कलर चेंज करती हैं जब एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं और बेस के साथ रिएक्ट करती हैं। मतलब अगर उन्होंने एसिड के साथ रिएक्ट किया या उनको एसिड के अंदर डाला गया तो उनका कलर चेंज हो जाएगा, कोई पर्टिकुलर कलर देंगे वो एसिड के साथ, और अगर वो सब्सटेंस बेस हुआ तो वो बेस के साथ भी पर्टिकुलर कलर देते हैं। यानी कि इंडिकेटर्स ये इंडिकेट करते हैं कलर के चेंज होने से कि वो एसिड है या फिर वो बेस है। एसिड के साथ अलग कलर का इंडिकेशन मिलेगा, बेसिस के साथ टोटली डिफरेंट कलर का इंडिकेशन मिलेगा, और हम लोगों को पता चल जाएगा कि आइदर दैट कंपाउंड इज एसिड और अ बेस। ठीक है, अब देखिए तीन मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं या टेस्ट किया जाता है एसिड और बेसिस को। नंबर वन इज लिटमस पेपर, जनरली पेपर की फॉर्म में होता है, ठीक है ना, कितनी बड़ी स्ट्रिप आती है बुक मार्क के फॉर्म में, इतनी बड़ी बड़ी स्ट्रिप्स आती है, ठीक है राइट। उसके बाद आता है मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, और लास्ट वन इज फिनोफ्थलीन, राइट। लिटमस पेपर और फिनोफ्थलीन दो ऐसे कॉमन इंडिकेटर्स हैं जिनको हम लोग लैबोरेटरीज के अंदर यूज करते हैं। फिनोफ्थलीन जनरली टाइट्रेशन करते समय मिलाया जाता है, जो कि पिंक, लाइट पिंक कलर देता है हम लोगों को, ठीक है। लिटमस एक पेपर की फॉर्म में, तो अगर आप एसिड में डिप करोगे कलर चेंज होगा, बेस में डिप करोगे तो भी कलर चेंज होगा, ठीक है। तो राइट, तो ये तीन कॉमन इंडिकेटर्स हैं जो यूज किए जाते हैं। इसके अलावा कुछ और भी इंडिकेटर्स हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है हल्दी, टर्मरिक जिसको बोलते हैं, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, जैसे कोई तेल का निशान लग गया या किसी चीज का निशान लग गया हमारे कपड़ों के ऊपर, ठीक है, तो हमारी मदर क्या करती है, मम्मी लेती है हल्दी और उसके ऊपर डाल देती है। अगर हम देखें तो उस हल्दी का कलर थोड़ी देर में लाल हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हल्दी ने उस सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके उसका कलर चेंज कर दिया, यानी कि वो भी एक कलर की डाई हुई। तो यानी कि टर्मरिक जो है, इट इज ऑल्सो एन इंडिकेटर विच इज यूज टू डिटरमाइन वेदर अ सब्सटेंस इज एन एसिड और अ बेस, राइट। तो अब हमें ये तीन इंडिकेटर्स पढ़ने हैं और ये कैसा एक्शन परफॉर्म करते हैं एसिड्स के साथ, कैसा एक्शन परफॉर्म करते हैं बेसिस के साथ। अब वो चीज हम लोग एक टेबल की फॉर्म में देखने वाले। नाउ टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, देखिए जो इंडिकेटर्स है ना वो भी दो तरीके से चेंज होते हैं। पहला इंडिकेटर चेंज करके बताता है कलर, एक इंडिकेटर चेंज होगा कलर के बेसिस पे और दूसरा इंडिकेटर जो चेंज होगा वो होगा स्मेल के बेसिस पे, ठीक है। कलर के बेसिस पे चेंज होने वाले हमारे पास तीन इंडिकेटर्स हैं, लिटमस, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन, ठीक है। स्मेल के बेसिस पे, ऑर्डर के बेसिस पे चेंज होने वाले इंडिकेटर्स को कहा जाता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स या जनरली नोन एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो चलिए हम लोग सबसे पहले कलर के बेसिस पे चेंज होने वाले इंडिकेटर्स पढ़ते हैं। सबसे कॉमनली यूज जो इंडिकेटर है दैट इज लिटमस पेपर, इसको नेचुरल इंडिकेटर कहा जाता है। क्यों?
क्योंकि ये naturally नेचर के अंदर freely available होता है और ये basically एक प्लांट से पाया जाता है, उस प्लांट का नाम है लिचिन, ठीक है राइट। तो ये दो फॉर्म में मिलेगा, पहला फॉर्म है कि इसका पेपर की फॉर्म में मिलता है लिटमस पेपर, दूसरा होता है लिटमस सॉल्यूशन जो कि लिक्विड की फॉर्म में मिलता है, और दोनों ही फॉर्म्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है प्लांट से विच इज नोन एज लिचिन। इसका मतलब कि नेचुरली प्लांट के अंदर मिलता है, इसीलिए इसको बोला जाता है नेचुरल इंडिकेटर्स। बाकी बचे हुए दो इंडिकेटर्स विच इज मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन, बोथ आर सिंथेटिक इंडिकेटर्स, मतलब उनको इंडस्ट्रीज के अंदर या लेबोरेटरीज के अंदर प्रिपेयर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की मदद से, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिटमस पेपर के ऊपर चल रहे हैं, ठीक है। इसका जो सोल्यूशन होता है वो पर्पल कलर का होता है, नंबर वन कि पर्पल डाइसेस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है या पर्पल कलर का होता है। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्लांट नोन एज लिचिन, इसको लिचिन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। थर्ड थिंग, दो फॉर्म में यूज किया जाता है, वन इज सोल्यूशन फॉर्म एंड अनदर वन इज पेपर फॉर्म, ठीक है। लिटमस पेपर या लिटमस टोटल दो तरीके के होते हैं, वन इज ब्लू लिटमस एंड द सेकेंड वन इज रेड लिटमस, ठीक है। अब इसका एक्शन हम लोग देखते हैं किसके साथ, एसिड और बेसिस के साथ। सबसे पहले एसिड, देखिए आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज याद रखिए कि जो एसिड है वो हार्मफुल है, और हार्मफुल होने के साथ साथ हम किसी भी हार्मफुल सब्सटेंस को या कोई भी चीज हार्मफुल, डेंजर साइन हमेशा हम रेड कलर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? रेड कलर से। इसका मतलब एसिड हार्मफुल डिनोटेड बाय रेड कलर। तो अब लिटमस के साथ कुछ भी एक्शन हो, मिथाइल ऑरेंज के साथ कुछ भी एक्शन हो, एसिड हमेशा कलर चेंज करके रेड कलर पे ही पहुंचेगा। मतलब जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस को किसमें चेंज कर देते हैं? रेड लिटमस के अंदर। मतलब कि अगर हमने एक ब्लू लिटमस लिया और उसको एक एसिड सॉल्यूशन के अंदर डिप किया तो सडनली उसका कलर ब्लू से किसमें चेंज हो जाएगा? रेड के अंदर। बट अगर मैं सिमिलरली रेड कलर के लिटमस को लू और उसको एसिड में डिप करूं तो उसका कोई कलर चेंज नहीं होगा एंड इट रिमेन्स रेड ओनली, ठीक है राइट। सेकेंड, बेस के साथ इसका उल्टा, एसिड ने ब्लू से रेड किया था, बेस रेड से ब्लू करेगा, ठीक है। तो बेस चेंजेस रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस, ठीक है। नेक्स्ट वन इज टर्मरिक, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ नेचुरल इंडिकेटर। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि जो हल्दी होती है, ठीक है, हम लोग कहीं पे भी कपड़े पे खाने का निशान लग जाता है किसी भी चीज का तो उस पे हल्दी डाल देते हैं, सडनली चेंजेस यू रेड कलर। इसका मतलब कि येलो कलर की डाई होती है और टर्न्स रेड, रेड में चेंज हो जाती है विद द एक्शन ऑफ बेस, ठीक है। इसके बाद आता है एक और, रेड कैबेज, ठीक है। तो रेड कैबेज भी एक नेचुरल इंडिकेटर की तरह यूज करी जाती है जो जनरली बेसिस के साथ ग्रीन कलर देती है और एसिड्स के साथ रेड कलर देती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं किसके ऊपर? मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। तो चलिए हम लोगों ने लिटमस कर लिया है, सिंपल लिटमस की अगर बात करें बहुत शॉर्ट में वापस से, दो तरीके का होता है, ब्लू एंड रेड। एसिड टर्न करता है ब्लू से रेड, बेस टर्न करता है रेड से ब्लू, ठीक है। इसके बाद टर्मरिक आया, येलो कलर की डाई है, लिटमस पर्पल कलर की डाई है, लिचिन से मिलता है और एकमात्र ऐसा इंडिकेटर है जो नेचुरल है जो कि प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सेकेंड चलते हैं मिथाइल ऑरेंज, ठीक है राइट। देखिए ऑरेंज वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब जो इसका नेचुरल कलर होगा या न्यूट्रल कलर होगा वो ऑरेंज होगा। सेम एसिड के साथ ऑरेंज कलर रेड में कन्वर्ट हो जाता है और बेस के साथ ऑरेंज कलर किसमें कन्वर्ट हो जाता है? येलो के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। लास्ट बचता है हमारा फिनोफ्थलीन, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, कलरलेस होता है और सबसे ज्यादा लेबोरेटरीज के अंदर फिनोफ्थलीन ही यूज किया जाता है व्हाइल ड्यूरिंग टाइट्रेशन, ठीक है। हम लोग नॉर्मैलिटी कैलकुलेट करते हैं, मोलालिटी कैलकुलेट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ टाइट्रेशन, उसमें जो इंडिकेटर यूज किया जाता है कलरलेस, दैट इज नोन एज फिनोफ्थलीन। इट इज एन सिंथेटिक इंडिकेटर जो कि लैबोरेटरीज के अंदर प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। न्यूट्रल कलर होता है कलरलेस,
एसिड के साथ इसका कोई भी कलर के अंदर चेंज नहीं होता, इट मींस कि अगर कलरलेस है और एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है या एसिड में डाला जा रहा है तो वापस से हमको कलरलेस सब्सटेंस ही मिलेगा, बट बेस के साथ ये कलर चेंज करेगा, कलरलेस से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लाइट पिंक या फिर हम बोले थोड़ा सा बेबी पिंक कलर में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है राइट। इसके बाद हम लोगों ये तीनों के तीनों इंडिकेटर्स हो गए ऑन द बेसिस ऑफ कलर्स। अब ऑन द बेसिस ऑफ स्मेल और ऑर्डर हमारे पास ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं जो जब भी हम एसिड्स और बेसिस के साथ मिलाते हैं तो वो कलर्स स्मेल को चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन इज ऑनियन एंड द सेकेंड वन इज वनीला एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स एसिड्स और बेसिस के साथ यूज किए उनकी स्मेल सडनली डिसअपीयर हो जाएगी और दो इंडिकेटर्स कहलाते हैं दोनों के दोनों ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो दो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो स्मेल के काम में आते हैं, स्मेल को चेंज कर देते हैं एसिड्स और बेसिस की, उसको बिल्कुल ही गायब कर देंगे। नंबर वन इज अनियन एंड द सेकेंड वन आर वनीला एक्सट्रैक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हुआ हम लोगों का क्या सबसे पहला टॉपिक, दैट इज इंडिकेटर्स। अब हम लोग चलते हैं हमारे सबसे पहले कंपाउंड के ऊपर जो कि हम पढ़ने वाले हैं एसिड्स, सेकेंड वन बेसिस एंड द थर्ड वन आर सॉल्ट। तो सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन लेते हैं किसका, एसिड्स। सबसे पहले हम लोग एक टेबुलर फॉर्म के अंदर देखते हैं कि एसिड बेसिस और सॉल्ट को सबसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में, सबसे इजी फॉर्म में कैसे समझा जा सकता है। एसिड का मतलब क्या, क्या बनेगा, क्या होगा। बेसिस का मतलब क्या, क्या बनेगा, क्या होगा। सॉल्ट्स का मतलब क्या और क्या बनेगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एसिड्स के ऊपर चलते हैं। देखिए एसिड्स जो होते हैं उनके अंदर हाइड्रोजन जो है वो बहुत कॉमन होता है। अगर H+ आयन मिला इट मींस इट इज एन एसिड, अगर H+ आयन नहीं मिला इट मींस कि वो एसिड नहीं होगा, ठीक है। देखिए कंटेन्स वन और मोर H+ आयन, एक या एक से ज्यादा H+ आयन कंटेन करेंगे। हमने जनरल रिएक्शन ली है कि जब हमने HCl देखा और HCl को तोड़ा बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, हमने देखा कि एक H+ आयन बन रहा था और एक यहां पर Cl- आयन बन रहा था, यानी कि उस सॉल्यूशन के अंदर एक H+ आया और एक Cl- आया। यानी कि अब देखो इस पर H+ आयन खाली रखा हुआ है और जब आयन खाली होगा तो ऑटोमेटिकली ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि जो एसिड्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए H+ आयन है इसीलिए इनको एसिड्स कहा जाता है, और जब हम इसको पानी के अंदर या वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, ठीक है। मैं सबसे पहले यहां से सीधा इस लास्ट वाली रिएक्शन के ऊपर आता हूं, ठीक है। जैसे ही हमने H+ और Cl- को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया, ये जो H+ था इसने वाटर के साथ रिएक्ट किया, यहां पे दो हाइड्रोजन थे ये तीसरा भी आ गया तो H3+ बन गया और एक O साथ में रहा। दिस इज नोन एज हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। जो एसिड्स होते हैं वो जनरली H3O+ की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि हम इनको डिसोसिएट करते हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर, ठीक है। और अगर ये खुले में रहें तो ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और इनको बहुत जल्दी एक कंपाउंड की फॉर्मेशन की जरूरत होती है, इसीलिए हम लोग एसिड्स को जनरली वाटर के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं ताकि वो पहली बात तो हार्मफुल ना हो, और जैसे वाटर के अंदर ब्रेक डाउन किया तो जो H+ आयन टूटा किसी भी कंपाउंड का वो फटाफट से वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा और हाइड्रोनियम आयन बना लेगा जिसके अंदर तीन हाइड्रोजन होंगे और एक ऑक्सीजन होगा, ठीक है। यानी कि अब देखो एक हाइड्रोजन ज्यादा है इसीलिए इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जनरली जो एसिड्स होते हैं वो हाइड्रोनियम की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, बट हम लोग सिंपलर फॉर्म में याद रखते हैं इसीलिए हम लोगों ने H+ की फॉर्म में इसको क्या करा है, याद रखा है, ठीक है। यहां पर ऊपर एक कंप्लीट रिएक्शन लिखी हुई है HCl प्लस H2O, HCl से टूटेगा H+ और Cl-, ठीक है राइट। और H2O के साथ ये H+ रिएक्ट करेगा तो बना H3O+ आयन प्लस Cl- आयन। तो इस तरीके से एसिड्स वो होते हैं जिनके अंदर H3O+ हाइड्रोनियम आयन या H+ आयन हमेशा अवेलेबल रहता है, और
इनकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का भी काम बहुत इजीली करते हैं। अब हम चलते हैं बेसिस के ऊपर। अब देखिए जो बेसिस है वो मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड फॉर एग्जाम्पल, मेटालिक हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में जैसे NOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, इनकी फॉर्म में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो यहां पर बेसिस बेसिस हमारे पास जनरली तीन तरीके से एग्जिस्ट करते हुए मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऑक्साइड की फॉर्म में होगा तो O2- हम बोल सकते हैं, हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में होगा तो OH- हम लोग आराम से बोल सकते हैं, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड अगेन इज द सेम थिंग, ठीक है। जनरली जब भी बेसिस को रिएक्ट किया जाता है तो ये हम लोगों को देते हैं सॉल्ट, और सेकेंड थिंग हम लोगों को देते हैं क्या, वॉटर। तो जब भी बेस की रिएक्शन होगी सॉल्ट और वॉटर, कार्बोनेट या फिर वॉटर, तो वॉटर तो जरूर फॉर्म होगा किसके साथ, बेसिस के साथ, ठीक है। इसके बाद इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है, ठीक है, इट इज मेटालिक हाइड्रोक्साइड, जब इसको डिसोसिएट किया, ब्रेक डाउन किया, तो हमें मिला NaIn प्लस OH- आयन। तो ये जो OH- आयन है ये बताता है कि वो पार्टिकुलर सब्सटेंस क्या है, बेस है। तो मतलब OH की कंसेंट्रेशन के बेसिस पे हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, बेसिस। तो फिर यहां से एक चीज पता चली, H+ आयन एसिड, OH- आयन बेस, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं लास्ट किसके ऊपर, सॉल्ट्स के ऊपर। तो देखिए एक्चुअली सॉल्ट्स क्या होते हैं, सॉल्ट्स का मतलब होता है कि एसिड के अंदर जो H रखा हुआ है आप उसको हटा दो और उसकी जगह एक मेटल लाके लगा दो, यानी कि इस HCl में से इस H को हटाऊं और मैं यहां पर लाके एक मेटल लगा दूं, फॉर एग्जाम्पल सोडियम। तो ये चीज जो बनी, दिस इज नोन एज सॉल्ट, ठीक है। तो सॉल्ट आर बेसिकली क्या होते हैं, फॉर्म्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन इन द एसिड बाय मेटल, ठीक है। तो जनरली जब एसिड और बेस को कंबाइन करते हैं तो हम लोगों को उस पर्टिकुलर मेटल का सॉल्ट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल हमने HCl लिया और NaOH लिया, यहां पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, Na आके जुड़ेगा Cl से और H यहां पर आ जाएगा, यानी कि ये बनेगा NaCl, दिस इज मेटल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, और साथ में क्या बना, वॉटर। तो जब भी सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी तो हम लोगों को वॉटर मिलना कंपलसरी है। तो फ्रेंड्स ये हुआ हमारा एक बहुत छोटा सा एक ब्रीफ व्यू के एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है। अब हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं एसिड का एक छोटा सा, अब हम लोग कुछ एसिड्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। फाइनली हम लोग एसिड्स पे पहुंच चुके हैं, राइट। तो सबसे पहले देखिए एसिड्स क्या होते हैं, इट इज बेसिकली अ लैटिन वर्ड व्हिच मींस सोर। तो इसका मतलब जो एसिड्स हैं दे आर सोर इन टेस्ट, नंबर वन। सेकेंड प्रॉपर्टी, जो एसिड्स हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं, मिथाइल ऑरेंज को पिंक में या रेड में चेंज करते हैं, और फिनोफ्थलीन के साथ कोई कलर का चेंज नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज के एसिड के पास H+ आयन्स, हाइड्रोजन आयन्स या H3O+ आयन, विच आर ऑल्सो नोन एज हाइड्रोनियम आयन्स, प्रेजेंट होते हैं, उन सबको एसिड्स कहा जाता है। इनकी वजह से H+ आयन्स और H3O+ आयन्स की प्रेजेंस की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, सो दे ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड आर इलेक्ट्रोलाइट्स। ये जनरली एक्सप्लोसिव होते हैं नेचर के अंदर, और इनको हैंडल करना, और ये बहुत डेंजरस होते हैं एक्शंस के अंदर। अब हम लोगों ने एसिड्स का क्लासिफिकेशन किया है उनके ओरिजिन के बेसिस पे और उनकी कंसेंट्रेशन के बेसिस पे। ओरिजिन के बेसिस पे हमारे पास दो तरीके के एसिड्स हैं, मतलब कि वो जो पर्टिकुलर एसिड है उसका बर्थ कैसे हुआ है, नेचुरली मिला है या फिर उसको फैक्ट्री के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर प्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले जो होते हैं दे आर नोन एज ऑर्गेनिक, जो कि नेचर के अंदर हम लोगों को एज इट इज मिलते हैं। फॉर सबसे अच्छा एग्जांपल, ठीक है, हम लोग खट्टे फ्रूट्स खाते हैं उनके अंदर सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेमन, ऑरेंज, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है, अगर हम लोग कंसिडर करें जैसे दही कर्ड, उसके अंदर लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं किसके, ऑर्गेनिक एसिड्स के।
एंड दे आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स, नंबर वन. सेकेंड थिंग, उनके अंदर कार्बन प्रेजेंट होगा और साथ में हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होगा. तो अगर कोई भी एसिड जिसके पास कार्बन और हाइड्रोजन दोनों है, ठीक है, वो सारे के सारे ऑर्गेनिक का पार्ट होते हैं, नेचर के अंदर मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एसेटिक एसिड CH3COOH, ऑक्सैलिक एसिड COOH होल ट्वाइस. ठीक है, ये जो एसिड होते हैं ऑर्गेनिक, हम इनको खा सकते हैं, आराम से ड्रिंक कर सकते हैं जूसेस की फॉर्म में, कर्ड को खा सकते हैं. इसका मतलब ये कुछ वीक एसिड्स होते हैं और इनका जो एक्शन होता है वो डेंजरस नहीं होता. इट मींस दे आर वीक एसिड्स एंड दे पार्शियली आयोनाइज, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते, इसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स नहीं बन पाते. ठीक है, राइट. मतलब कि ये जो H3COOH है ये कंप्लीट टूट नहीं पाएगा और H प्लस आयन ज्यादा दे नहीं पाएगा, और जब तक ज्यादा H प्लस आयन नहीं होगा तब तक वो एसिड स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता. तो इसका मतलब इनके अंदर पार्शियल ब्रेकडाउन होता है और ये आयन्स भी कंटेन करते हैं और साथ साथ मॉलिक्यूल्स भी कंटेन करते हैं. तो अगर हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखें ऑर्गेनिक एसिड के, तो सबसे पहला एग्जाम्पल एसिटिक एसिड जो कि विनेगर की फॉर्म में यूज किया जाता है. सेकेंड आर सिट्रिक एसिड जो कि लेमन और ऑरेंजेस की फॉर्म में यूज किया जाता है. थर्ड वन इज लैक्टिक एसिड जो कि कर्ड्स के अंदर मिलता है. ठीक है, नेक्स्ट आर ऑक्सैलिक एसिड जो टमाटोज के अंदर मिलता है. ठीक है ना, टमाटर के अंदर घिसने पे लिक्विड आता है, ऑक्सैलिक एसिड की फॉर्म में होता है. ठीक है, फॉर्मिक एसिड जो कि हम लोगों को आंट की स्टिंग से, नेटल लीफ स्टिंग से मिल सकता है, कौन सा, ऑक्सैलिक एसिड. एंड द लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट, दैट इज टार्ट्रिक एसिड. ठीक है, खट्टी इमली बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका. ठीक है, और साथ साथ में जो ग्रेप्स होते हैं, अनरिपिन ग्रेप्स होते हैं, वो इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल है. तो देखो, इमली खट्टी होती है, सोर इन टेस्ट, नेचुरल है, टार्ट्रिक एसिड उसके अंदर मिलेगा. ठीक है, तो बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जो हम लोगों की मम्मी दे सकती हैं, किसके ऊपर, नेचुरल एसिड्स के ऊपर. उनसे बेटर नहीं जानता होगा कोई, बट स्टिल फ्यू ऑफ द मदर्स डोंट नो कि वो एसिड्स के फॉर्म है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन आर इनऑर्गेनिक, मतलब मिनरल्स. तो वो सारे एसिड्स जो हम लोगों को मिनरल से मिलेंगे अर्थ के क्रस्ट के अंदर, उन सारे एसिड्स को हम लोग बोलेंगे मिनरल एसिड्स. ठीक है, उनको मॉडिफिकेशन करके प्रिपेयर किया जाता है, इंडस्ट्रीज के अंदर बनते हैं, इसीलिए उनके अंदर कार्बन अलोंग विथ हाइड्रोजन मिलने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं. बट हमारे पास एक एक्सेप्शन है, दैट इज कार्बोनेट. ठीक है, कार्बोनिक जो एसिड है H2CO3, इट इज एन मिनरल एसिड जो कि काफी वीक एसिड भी है, साथ साथ हाइड्रोजन के साथ साथ कार्बन भी कंटेन करता है. और इसकी सबसे अच्छी बात ये कि ये मिनरल एसिड होने के साथ साथ वीक है, पहला, नॉन करोसिव है नेचर के अंदर, इसीलिए इसको जनरली सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर यूज किया जाता है. ठीक है, दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड और ये बहुत इजीली आयोनाइज हो जाते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, बहुत सारा H प्लस आयन देते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड्स के कंसिडर किया जाता है. ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट्रेशन. कंसेंट्रेशन का मतलब क्या, कि वॉटर के अंदर कितना एसिड रखा हुआ है, दैट इज कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड. या फिर हम बोले कि एक पर्टिकुलर सब्सटेंस सॉल्यूशन के अंदर कितने H प्लस आयन्स हैं, वो कंसेंट्रेशन कहलाएगा. ज्यादा H प्लस आयन्स, ज्यादा एसिड कंसेंट्रेटेड होगा, कम H प्लस आयन्स, उतना ही डाइल्यूट होगा. मतलब एक लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिला दूं, इट इज डाइल्यूट, और एक लीटर दूध के अंदर 250 ml पानी मिलाऊं, इट इज कंसेंट्रेटेड, क्योंकि उसके अंदर H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी. ठीक है, तो कंसेंट्रेटेड लेस और नो वाटर, कि जिसके अंदर या तो बहुत कम क्वांटिटी में पानी होगा या बिल्कुल पानी नहीं होगा, बट उसके अंदर बहुत लार्ज अमाउंट के अंदर एसिड प्रेजेंट होगा, उन सारे एसिड्स को हम लोग कंसेंट्रेटेड एसिड्स कहते हैं. ठीक है, जैसे HCl, डाइल्यूट एसिड वो जिनके अंदर बहुत लार्ज अमाउंट में पानी होगा और बहुत कम अमाउंट में एसिड प्रेजेंट होगा. ठीक है, उन सारे एसिड्स को हम लोग डाइल्यूट एसिड्स कहते हैं. ठीक है, अब देखिए, हम लोग किसी भी कंसेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट एसिड के अंदर आराम से चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जो एसिड्स होते हैं जैसे पानी में डालेंगे, बूम, क्या लिखा हुआ है,
they are explosive in nature. तो अगर आपने उसको पानी में डाला एकदम बहुत तेज ब्लास्ट होगा. इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पानी के अंदर थोड़े थोड़े एसिड को मिलाते हैं. ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि पानी के अंदर एसिड की कितनी कंसेंट्रेशन है या H प्लस आयन की कितनी कंसेंट्रेशन है उसके बेसिस पे कंसेंट्रेटेड और डाइल्यूट. पानी ज्यादा H प्लस आयन कम डाइल्यूट, पानी कम H प्लस आयन ज्यादा कंसेंट्रेटेड एसिड. ठीक है, तो जब भी आपको एक कंसेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट में कन्वर्ट करना है तो आप पानी लीजिए बीकर के अंदर और उसमें थोड़ा थोड़ा एसिड डालिए बट दूर रह के, क्योंकि वो जनरली एक्सप्लोसिव होगा, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, मे बी पॉसिबल ब्लास्ट जनरेट कर सकता है. तो फ्रेंड्स ये हुआ हम लोगों का जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स. फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो के अंदर एंड अप कर रहे हैं अप टू द जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स. नेक्स्ट के अंदर वी कंटिन्यू विद द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स. आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी. Do share, subscribe and like it. Thank you.